नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल सक्सेस प्लेस पे। इस वीडियो में हम बात करेंगे बोलिंजर बैंड प्लस आरएसआई के स्ट्रेटेजी के बारे में। बोलिंजर बैंड प्लस आरएसआई से आप शॉर्ट टर्म स्विंग ट्रेडिंग, पोजिशनल ट्रेडिंग, इंट्राडे सभी चीज़ों में यूज कर सकते हैं। काफ़ी इफेक्टिव होता है, काफ़ी बेहतरीन होता है ये स्ट्रेटेजी, काफ़ी यूजफुल है। तो किस तरह से आप यूज करेंगे आप बोलिंजर बैंड प्लस आरएसआई को, उसको हम इस वीडियो में सीखेंगे। तो अब जो हमारा सीरीज होगा वो टेक्निकल एनालिसिस पर होगा। टेक्निकल एनालिसिस के जो डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स है उसके बारे में आपको सीखने मिलेगा। तो दोस्तों, सबसे जो पॉपुलर है निफ्टी और बैंक निफ्टी, तो निफ्टी और बैंक निफ्टी में आपको हम यहां दिखाएंगे कैसे आप आरएसआई प्लस बोलिंजर बैंड को यूज कर सकते हैं, जो कि काफी सॉलिड स्ट्रेटेजी है। आप शॉर्ट टर्म के लिए पोजिशनल ट्रेडिंग कर सकते हैं, स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं, साथ साथ इंट्राडे में भी आप यूज कर सकते हैं। बस टाइम फ्रेम को चेंज करना है। जैसे आपको स्विंग ट्रेडिंग पोजिशनल ट्रेडिंग करना है तो आप 1 आवर का चार्ट यूज कर सकते हैं, डेली चार्ट यूज कर सकते हैं, जिनके लिए जो सूटेबल होता है वो चार्ट यूज करते हैं। तो 1 आवर सबसे ज्यादा बेहतरीन होता है। तो जब 1 आवर चार्ट पे बोलिंजर बैंड यहाँ पर ब्रेकआउट दे, बोलिंजर बैंड को प्राइस फॉलो करे, आप यहाँ पर पोजिशन ले सकते हैं और उसमें आपका मदद करेगा आरएसआई। आरएसआई जब आपका 55 से ऊपर हो, ये हमारा 55 है, 55 ऊपर देख सकते हैं यहाँ पर ग्रीन हो जाता है, और जैसे ये नीचे आएगा तो आपको यहाँ पर सेल करना है। यहाँ पर बोलिंजर बैंड नीचे जैसे ब्रेकआउट देगा और यहाँ पर ये जो है 45 से नीचे है आरएसआई तो सेल करना है, 55 से जैसे ऊपर है आरएसआई तो यहाँ पर आपको बाय करना है। तो जब 55 से ऊपर जाएगा आरएसआई और यह बोलिंजर बैंड ब्रेकआउट देगा, मतलब प्राइस जो है बोलिंजर बैंड को फॉलो करेगा, तो यहाँ पर आपको बाइंग इनिशिएट कर सकते हैं। और जैसे जैसे कैंडल बनता है तो 2 कैंडल पीछे आप अपना स्टॉप लॉस रखेंगे। जैसे प्राइस यहाँ पर आप इनिशिएट करते हैं, यहाँ पर पोजिशन लेते हैं, तो ये जो आपका होगा 20 डे का ईएमए, इसके नीचे आप जो है अपना स्टॉप लॉस रख सकते हैं। तो बहुत सारे दोस्तों ये भी पूछते हैं बोलिंजर बैंड कैसे बना है, क्या है, ये सब बातों को छोड़िए, हमें बोलिंजर बैंड को कैसे यूज करना है ये देखना है। बोलिंजर बैंड कैसे बना है, तो ये मुख्य रूप से ये बीच वाला जो लाइन है ये होता है 20 डे का मूविंग एवरेज, 20 डे का सिंपल मूविंग एवरेज है, और इसका 2 डिविएशन ऊपर 2 डिविएशन नीचे, तो ये बैंड बना हुआ है। तो ज़्यादा इसके कॉम्प्लिकेशन में नहीं जाना है कि कैसे बना है, कैसे ये काम करता है, बस ये देखना है कि आप कैसे इसको यूज कर सकते हैं अपने ट्रेडिंग में। तो कैसे एनालिसिस में यूज कर सकते हैं, ट्रेडिंग में यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे आरएसआई जो है आपका, आरएसआई जो है लीडिंग इंडिकेटर है, याद रखिए आरएसआई काफ़ी बेहतरीन सिग्नल देता है। जब आरएसआई सॉलिड है तो जल्दी गिरावट होने की कोई संभावना नहीं है। यहाँ पर आरएसआई जैसे स्ट्रॉन्ग आपको दिखता है 55 से ऊपर, यहाँ पर पोजिशन आप ले सकते हैं, और 2 कैंडल नीचे जो है अपना स्टॉप लॉस ट्रेल कर सकते हैं। और जब ये अपना बोलिंजर बैंड को छोड़ देता है बाद, आप यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि लगातार अच्छा खासा प्रॉफिट ये दे रहा है, और यहाँ पर बोलिंजर बैंड छोड़ दिया ये और रेड कैंडल बनाया। तो जैसे बोलिंजर बैंड को छोड़ता है तो आप यहाँ प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो इस तरह आप इसका बैक टेस्ट कर सकते हैं कहीं पर भी। जब भी ये बोलिंजर बैंड ब्रेकआउट होता है आपको बस सेम नियम अप्लाई करना है। यहाँ पर देखिए जैसे ये गिरावट हो रहा था, तो गिरावट में आपको क्या बोला है कि यहाँ जैसे 45 से नीचे हो आरएसआई और बोलिंजर बैंड को नीचे ये ब्रेकआउट दे, बोलिंजर बैंड को नीचे फॉलो करना शुरू करे 20 एसएमए के नीचे, तो यहाँ से आपको पोजीशन इनिशिएट करना है। तो यहाँ पर आप कहीं पे भी पोजीशन लेते, तो यहाँ पर देख लीजिए आरएसआई हमारा सेल सिग्नल दे चुका है और ये लगातार फॉलो कर रहा है। तो ये हमने एक एक्स्ट्रा लगाया है 9 EMA, 9 EMA भी स्टॉप लॉस का काम करता है। अगर 9 EMA को ब्रेक कर देता है कभी भी, ऊपर एक कैंडल क्लोज कर देता है, तो भी आप अपने पोजिशन से एग्जिट कर सकते हैं। या सबसे सिंपल है कि जैसे बोलिंजर बैंड को छोड़ देता है और कोई भी मतलब ग्रीन कैंडल बनाता है, तो वहाँ पर आप अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए लगातार ये फॉलो कर रहा है, ग्रीन कैंडल यहाँ पर बनाया लेकिन ये बोलिंजर बैंड को छोड़ा नहीं है, तो लगातार रेड कैंडल बन रहा है, बन रहा है। यहाँ पर देखिए ये ग्रीन कैंडल बनाया लेकिन यहाँ पर भी ये बोलिंजर बैंड को नहीं छोड़ा, यहाँ पर रेड कैंडल बनाया है। अभी भी हम यहाँ पोजिशन बुक कर सकते हैं क्योंकि ये रेड कैंडल तो बनाया लेकिन ये बोलिंजर बैंड को छोड़ चुका है। तो यहाँ पर आप अपना पोजीशन बुक कर सकते हैं। यहाँ पर आप पीछे चलेंगे तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर चल रहा था आरएसआई, यहाँ पर 45-55 के बीच था, तो ये नो ट्रेडिंग जोन है। जैसे 55 से ऊपर गया तो यहाँ पर ये प्राइस जो है 20 एसएमए के ऊपर आ चुका है, तो यहाँ पर अलर्ट हो जाना है। 20 एसएमए का ऊपर आया तो आपको अलर्ट हो जाना है, क्योंकि अब यहाँ से बोलिंजर बैंड जब ब्रेकआउट पोजीशन हम लेंगे। तो जैसे यहां पर देखिए बोलिंजर बैंड ब्रेकआउट हुआ, तो यहां पर आप अपना पोजीशन ले सकते हैं, और जब तक ये कैंडल इस बोलिंजर बैंड को फॉलो कर रहा है तब तक हम पोजीशन में बने रहेंगे, और 2 कैंडल जो होगा हमारा उसके नीचे हमारा स्टॉप लॉस होगा।
और उससे पहले यहाँ पर जब पोजिशन इनिशिएट करते हैं तो यहाँ पर आप अपना 9 EMA या 20 EMA जिसको फॉलो करते हैं तो हर बार उसी को फॉलो करना है। 9 EMA को फॉलो करेंगे स्टॉप लॉस, उसी को फॉलो करना है। 20 EMA करते हैं तो हमेशा 20 को ही कीजिएगा, क्योंकि कई बार आपके स्टॉप लॉस भी हिट हो सकते हैं। तो जिस बार स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ तो अच्छा खासा आपको रिटर्न देगा। तो आप अपना स्ट्रेटजी जरूर बना लीजिएगा कि 20 SMA पर आपको स्टॉप लॉस रखना है या 9 EMA पे। तो मेरा तो स्टॉप लॉस जो होता है 9 EMA होता है। जब भी मैं बुलिजर बैंड ब्रेकआउट होता है तो पोजिशन लेते हैं, 9 EMA हमारा जो है स्टॉप लॉस वहाँ पर होता है। तो यहाँ पर देखिए रेड कैंडल बनाया, लेकिन अभी बोलिजर बैंड को ये छोड़ा नहीं है, लेकिन अब रेड कैंडल बनाया काफ़ी बड़ा है और ऊपर से रिजेक्शन भी मिला है। तो आप चाहे तो यहाँ पर पोजीशन बुक कर सकते हैं या अगले कैंडल का वेट कर सकते हैं। अगर अगला कैंडल यहाँ से फिर से बोलिजर बैंड को फॉलो करता है तो बने रहना है, अरे नहीं तो ये तो रेड कैंडल बोलिजर बैंड को छोड़ चुका है। तो यहाँ पर आप अपना प्रॉफिट बुक कर लेंगे, मतलब जो भी पोजीशन है वो उसको बुक कर लीजिए। तो इस तरह से बैंक निफ्टी में हो या निफ्टी में हो काफ़ी इफेक्टिव है। आप निफ्टी में भी इसका यूज कर सकते हैं, बैंक निफ्टी में भी यूज कर सकते हैं, निफ्टी 50 में आपको हम दिखाएंगे। तो देखिए काफ़ी सारे ट्रेड आपको अच्छे अच्छे ट्रेड इस बोलिजर बैंड से आपको मिल जाएंगे। देखिए यहाँ पर भी बोलिजर बैंड ब्रेकआउट हुआ है, जब बोलिजर बैंड छोड़ देता है तो देखिए वहाँ पर प्रॉफिट आपको बुक कर लेना है। तो यहाँ पर आपको दोनों साइड के ट्रेड मिल जाएंगे। यहाँ पर देखिए जैसे 20 SMA के नीचे आता है तो आपको सेल के लिए ढूंढना है, जब RSI आपको सेल दे दे और यहाँ पर बोलिजर बैंड को ये जब फॉलो करने लगे ब्रेकआउट दे दे तो यहाँ पर आपको पोजिशन लेना है। और यहाँ पर जो 20 EMA है या 9 EMA आप ना स्टॉप लॉस रखना है कि 9 EMA के ऊपर क्लोज दे देता है अच्छे से एक कैंडल ऊपर, क्योंकि आप देखिए एक भी कैंडल ऊपर जो है अच्छे से क्लोज नहीं हुआ है, ये कैंडल इसी 9 EMA पे है तो देख सकते हैं। तो आप अगर 20 EMA फॉलो करते हैं तो 20 को हमेशा फॉलो कीजिए, 9 को फॉलो करते हैं तो 9 को करना है। तो मैं 9 EMA को ही फॉलो करता हूँ। या तो सबसे पहले जैसे बोलिजर बैंड को छोड़ता है तो प्रॉफिट बुक कर लीजिए। आप अगर यहाँ पर बुक करते हैं थोड़ा सा ये लंबा सा प्रॉफिट आपका छूट जाता है, क्योंकि यहाँ पर ये बाद में फिर से गिरते चला गया। तो कभी कभी होता है कि आप बोलिजर बैंड को छोड़ेगा लेकिन फिर से वो बोलिजर बैंड को फॉलो करना, मतलब प्राइस नीचे या ऊपर चलते रह जाता है। तो वैसे में कभी कभी थोड़ा सा कम प्रॉफिट आपको मिलेगा, लेकिन काफ़ी इफेक्टिव है, आपके काफ़ी कम स्टॉप लॉस हिट होंगे। देखिए जब जब बोलिजर बैंड ब्रेकआउट हुआ है, ये अवर्ली चार्ट है, कभी भी आपको ये स्टॉप लॉस बहुत ही कम हिट होगा, तो सबसे इफेक्टिव है। अगर आप बिगिनर्स हैं तो काफ़ी इफेक्टिव है। अगर आपके पास खुद का कोई स्ट्रेटेजी नहीं है तो आप इस स्ट्रेटेजी को यूज करते हैं, बोलिंजर बैंड प्लस RSI, जो कि काफ़ी इफेक्टिव है। यहाँ पर RSI आप 55 पर रखेंगे या 60 पर रखिए, 55 ज़्यादा इफेक्टिव है, 55 ही रखिए तो काफ़ी बेहतरीन है। बैंक निफ्टी में आपको अच्छा खासा ट्रेड मिलेगा, जब जब बोलिंजर बैंड को ब्रेकआउट होता है तब तक आप इसमें ट्रेड इसके आधार पर ले सकते हैं। अब बात करते हैं निफ्टी 50 का, क्योंकि बैंक निफ्टी और निफ्टी 50 ज़्यादातर लोग ट्रेड करते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए निफ्टी में भी आप देखिए यहाँ पर बोलिंजर बैंड यहाँ पर ब्रेकआउट किया है, तो यहाँ पर आप पोजिशन लेंगे तो कभी भी आपका स्टॉप लॉस यहाँ पर हिट नहीं होगा। देखिए अच्छा खासा यहाँ पर आपको अच्छा मतलब यहाँ पर प्रॉफिट मिलेगा। RSI तो यहाँ से पहले से ही सिग्नल दे चुका है, यहाँ पर देखिए RSI इसी कैंडल पर बाय सिग्नल दे चुका था, लेकिन अगर आप बोलिंजर बैंड को फॉलो करते हैं तो बोलिंजर बैंड को फॉलो कर दीजिए, बस यहाँ पर कहीं पर भी ट्रेड लेंगे अच्छा खासा आपको ट्रेड मिलेगा। तो ये फिर पीछे आते हैं तो पीछे यहाँ पर आप देखिए डाउन ट्रेंड के ट्रेड भी मिलेंगे। ये 20 SMA जो होता है इसको मतलब एक पैरामीटर रखना है कि इसके ऊपर है तो बाय करना है, इसके नीचे है तो आपको हमेशा सेल के लिए ही ट्रेड ढूंढना है। तो यहाँ पर इसके नीचे है तो यहाँ पर देखेंगे RSI, हमारा RSI यहाँ पर सेल दिया, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ 45 से ये नीचे आया, तो यहाँ पर आप अपना पोजिशन लेंगे और ये देखिए लगातार ये बोलिंजर बैंड को फॉलो कर रहा है। तो ये 9 EMA हम रखते हैं कि 9 EMA के ऊपर क्लोज देता है, एक भी कैंडल अच्छे से क्लोज होता है तो प्रॉफिट बुक करते हैं। या आप उस डायरेक्ट बोलिंजर बैंड को जब तक फॉलो कर रहा है तब तक रखिए ट्रेड को, जैसे इसको छोड़ देता है फॉलो करना आप वहाँ प्रॉफिट बुक करके निकल जाइए। तो देखिए यहाँ निफ्टी में आपका जो ट्रेड है मिस नहीं होता, काफ़ी अच्छा आपको यहाँ पर प्रॉफिट प्राप्त होता। तो काफ़ी बेहतरीन ये स्ट्रेटेजी है बोलिंजर बैंड प्लस RSI इंटरडे में। बस ये आपको इंटरडे में जब यूज करना है तो आप टाइम फ्रेम जो है 5 मिनट कर लेंगे, 10 मिनट कर लेंगे, 15 मिनट। तो इंटरडे में अलग अलग लोग अलग अलग टाइम फ्रेम यूज करते हैं, तो आपको जो टाइम फ्रेम सुटेबल होता है आप वो यूज कर सकते हैं। जैसे 5 मिनट पर देख लीजिए, 5 मिनट यूज कर लीजिए, 10 मिनट यूज कर लीजिए। तो यहाँ पर बोलिंजर बैंड नैरो हुआ, तो जैसे बोलिंजर बैंड यहाँ पर सिकुड़ रहा है, तो मतलब यहाँ पर बोलिंजर बैंड ब्लास्ट होने वाला है। जब बोलिंजर बैंड ब्लास्ट होगा आपको अच्छा खासा मतलब ट्रेड मिलेगा। अगर नीचे ब्रेक हुआ तो आप जो है नीचे का सेल ट्रेड लेंगे, ऊपर गया तो बाय का ट्रेड लेंगे। तो काफ़ी सिंपल है, जब बोलिंजर बैंड यहाँ पर नैरो हो जाए, सिकुड़ जाए, तो समझिए बोलिंजर बैंड कुछ समय बाद ब्लास्ट होने वाला है। तो इंट्राडे में भी काफ़ी अच्छे ट्रेड मिलेंगे। जब बोलिंजर बैंड यहाँ पर ब्लास्ट नहीं हो तो समझिए
मार्केट साइडवेज है, तो यहाँ पर मार्केट देख लीजिए लगातार साइडवेज है, तो यहाँ पर कोई भी अच्छा खासा ट्रेड आपको नहीं मिलने वाला है। फिर यहाँ पर देखिए पीछे आते हैं, तो यहाँ पर देखिए बोलिंजर बैंड जो है धीरे धीरे नैरो हुआ, नैरो होने के बाद बोलिंजर बैंड नीचे की ओर ब्लास्ट हुआ, तो यहाँ पर फिर अच्छा खासा ट्रेड आपको मिलेगा। उसी तरह जब जब बोलिंजर बैंड नैरो हो जाए तो निश्चित है कि वो बोलिंजर बैंड ब्रेकआउट देगा, ऊपर दे या नीचे दे, तो जिस दिशा में ब्रेकआउट देगा उस दिशा में आपको ट्रेड लेना है। यहाँ पर देखिए नैरो हुआ बोलिंजर बैंड, फिर नीचे ब्रेकआउट दिया, तो लगातार जो है आपको लगभग सप्ताह में 2-3 दिन अच्छे खासे ट्रेड आपको मिल जाएंगे। तो बोलिंजर बैंड का यूज़ करके आप इंट्राडे में भी यूज़ कर सकते हैं, और साथ ही साथ शॉर्ट टर्म के लिए स्विंग ट्रेडिंग पोजिशन ट्रेडिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए लोग इसे वीकली चार्ट पर यूज़ करते हैं, जैसे वीकली चार्ट पर देख लीजिए किसी भी स्टॉक में, जैसे हम रिलायंस ले लेते हैं, तो आप वीकली चार्ट मैंने लगा दिया, जब यह बोलिंजर बैंड यहाँ पर देखिए ब्रेकआउट देगा तो अच्छा, मतलब यहाँ पर स्टॉक में उतना नहीं सोचना है। अगर आप कैश में लेते हैं तो जैसे ये 20 जो SMA है इसके ऊपर निकलता है, RSI यहाँ 55 हो जाता है, तो आप पोजीशन स्टॉक में ले सकते हैं अगर कैश में आप काम करते हैं। तो अगर आप फ्यूचर ऑप्शन में, तो फिर आपको जब तक बोलिंजर बैंड को ये फॉलो नहीं करे तब तक वेट करना पड़ेगा। तो यहाँ देख लीजिए वीकली चार्ट पर लगातार स्टॉक अप ट्रेंड में है, तो जब तक ये अप ट्रेंड में है तो ये 9 मूविंग एवरेज जो है 9 EMA इसी को स्टॉप लॉस रखना है। तो अच्छा खासा देखिए यहाँ से आपको लेकर के यहाँ तक का ट्रेड मिलता है, जो कि काफ़ी बेहतरीन है। उससे पीछे जाएंगे तो वहाँ पर भी मिलेगा आपको, यहाँ पर देखिए बोलिंजर बैंड को ये फॉलो कर रहा है, यहाँ पर RSI हमारा 55 से ऊपर है, तो यहाँ पे आप लेंगे अच्छा खासा रिटर्न प्राप्त होता। तो जब जब यह बोलिंजर बैंड देखिए ब्रेकआउट हुआ होगा वीकली चार्ट पर, अच्छा खासा आपको रिटर्न मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए फिर यहाँ आ जाइए, 55 से ऊपर है RSI वीकली चार्ट है, और यहाँ पर बोलिंजर बैंड पर ये ब्रेकआउट दिया है, तो यहाँ पर अच्छा खासा रिटर्न आपको मिलेगा। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में, या जैसे आप यूज करते हैं 1 महीने के लिए, 2 मंथ के लिए, 6 मंथ के लिए, 1 ईयर के लिए, तो आप वीकली चार्ट पर बोलिंजर बैंड का यूज कर सकते हैं, तो अच्छा खासा काफ़ी अच्छा काफ़ी बेहतरीन ट्रेड आपको मिलेगा। तो ये था बोलिंजर बैंड प्लस RSI का स्ट्रेटेजी, जिसको जो कि काफ़ी इफेक्टिव है और जो काफ़ी प्रॉफिटेबल है। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप और भी कोई इंडिकेटर के बारे में जानना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, उस इंडिकेटर के बारे में हम आपको बताएंगे। आपने स्टॉक मार्केट में अपना ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया है तो आप जीरोधा के साथ ओपन कर सकते हैं, एंजल ब्रोकिंग के साथ कर सकते हैं। अगर आपको ट्रेडिंग करना है तो एंजल ब्रोकिंग सबसे बेहतरीन प्लेटफॉर्म है, काफी अच्छा मार्जिन देता है, आप हमारे लिंक से एंजल ब्रोकिंग अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। साथ ही साथ जीरोधा में चाहे तो आप उसमें कर सकते हैं। जीरोधा और एंजल दोनों में आपको 20 रुपया पर ट्रेड चार्ज लगता है, और इन डिलीवरी में आपको कोई भी चार्ज नहीं लगता, कोई भी स्टॉक डिलीवरी में लेते हैं आपको कोई भी ब्रोकरेज पे नहीं करना पड़ता है, और इंट्राडे में सिर्फ 20 रुपीज पर ट्रेड आपको चार्ज लगेगा।